हाय ऑल ऑफ यू। तो एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ ये है कि जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ संभवतः आपको इस ईयर के एंडिंग में दिखेगा वैकेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनरी ऑफिसर एंड जूनियर एसोसिएट्स बोथ। देखिए, जो हाल ही के दिनों में आपके दिनेश कुमार खारा चेयरमैन के बाद, जिन्हें चेयरमैन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाया गया है, दैट इज़ सी एस शेट्टी, उन्होंने और उनके प्रीवियस वालों ने भी एक नई अनाउंसमेंट किए है। वो अनाउंसमेंट ये है कि SBI इज़ गोइंग टू ओपन 600 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो सीधी सी बात तो ये हो गई कि अगर न्यू ब्रांचेज हमें ओपन करना है तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ चाहिए, इधर इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर और क्लर्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की आप बात करते हैं तो अराउंड 22,500 ब्रांच हैं, इंक्लूडिंग 241 आपकी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं जो 29 डिफरेंट कंट्रीज में हैं। जो कस्टमर का डेटाबेस है इस बैंक के पास, वो मोर देन 50 करोड़ कस्टमर का डेटाबेस है। तो आप समझ जाएं कितना बड़ा डेटाबेस है आपके इस बैंक के पास। जो स्टाफ आपके उस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर एंड क्लर्क एंड वार्ड स्टाफ और मैसेंजर ऑल्सो, तो अराउंड 235,000 मोर का आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ है। हालांकि हाल ही के दिनों में आपने अगर पढ़ा होगा तो HDFC जो बड़ी प्राइवेट लेंडर है, इज़ गोइंग टू सरपास इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ, है ना। तो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये आशा है कि एक्सपेक्टेड है कि HDFC आपके SBI के जितने नंबर ऑफ स्टाफ हैं उससे ज़्यादा स्टाफ उनके पास रहेगा। तो यहाँ पे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई ब्रांचेज ओपन करने वाली है तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज ज़्यादा आएगी। वैकेंसी कब आएगी? तो प्रोबेबली है कि नवंबर के लास्ट तक आपके पास वैकेंसी आए। कलर की जहाँ तक बात है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड 15,000 वैकेंसी रहेगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जहाँ तक बात है, तो हाफ ऑफ द वैकेंसी ऑफ जूनियर एसोसिएट्स के अराउंड देखा जा सकता है। क्लियर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि हम उन जगहों पे अपने ब्रांचेस को एस्टैब्लिश करेंगे, न्यू ब्रांचेस को, जो बड़ी टाउनशिप है, जो रेजिडेंशियल टाउनशिप होगी वहाँ पे हम एस्टैब्लिश करेंगे। और जो डिपॉजिट एक बड़ा, बहुत बड़ा आपका इस बार, मतलब किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट एक बहुत बड़ा भाग रहा है, तो डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कासा डिपॉजिट को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, FD RD ऑल्सो, है ना, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो टाइम हो, उसको अट्रैक्ट करने के लिए SBI एक नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि एक नई प्रोडक्ट जिसमें आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बो एक प्रोडक्ट होगा, जिसमें आपको रिकरिंग डिपॉजिट प्लस SIP का एक कॉम्बो प्रोडक्ट होगा, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट पेएबल अगर ज़्यादा है तो फिर कस्टमर हो सकता है का जो अट्रैक्शन है वो आपके SBI की तरफ हो। तो जाने दीजिए, ये सब बड़ी अलग बात है, जब बैंक में जाएंगे तो देखेंगे। अभी कंसर्न ये है कि SBI की वैकेंसी आएगी, और आएगी तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की शुरुआत करनी है। आई होप कि आप तो कर ही रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, परीक्षा देना है, परिणाम हमें देखना है। तो जितना ज़्यादा पेस के साथ आप काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पेस के साथ आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस को पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। अगर प्रोविजनिंग ऑफिसर के लिए आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो डिस्क्रिप्टिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को भी आप लिखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली अभी से प्रैक्टिस करें, बट यस, वंस इन ए वीक आप डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखें। मैथ रीजनिंग का जो प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें, अल्टरनेट डे बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दें, है ना, और अल्टरनेट डे बेसिस पे उसका इवेल्यूएशन करें कि कहाँ आपने गलती की, और जहाँ पे आपने गलती की नेक्स्ट टाइम, और कोशिश ये करें कि नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट इज़ नॉट कंपलसरी, अल्टरनेट मॉक टेस्ट एंड अल्टरनेट डे रिविजन और इवेल्यूएशन ऑफ योर टेस्ट जो आपने प्रीवियस डे दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। इंग्लिश आप कह सकते हैं कि आपके सफलता का एक डोर है। अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए आपके बैंक में, इधर इन टर्म्स ऑफ क्लर्क और प्रोविजनरी ऑफिसर, इंग्लिश आपको क्वालिफाई ना सिर्फ करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। तो इंग्लिश, मेरे से अगर पूछते हैं तो मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, इंग्लिश इज़ द
डोर ऑफ सक्सेस। तो इंग्लिश को जितना ज़्यादा गंभीरता के साथ आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप बना सकते हैं, बनाइए, पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। एक नई वैकेंसी आ रही है, बड़े सीट के साथ आपके पास आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर यहाँ डालें, मेरी कोशिश रहेगी आपके उस डाउट का जो सही आंसर है वो आप तक पहुँचाने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बिग वैकेंसी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड जूनियर एसोसिएट्स काउंसल्स एंड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।